नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। पानीपत के रहने वाले सागर जागलान अमेरिकी पहलवान को हराकर बने विश्व चैंपियन। कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम 30% किया कम। नया पाठ्यक्रम शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध। ईद उल जुहा के मद्देनजर 21 से 23 जुलाई तक अप्रिय घटना को रोकने, शांति व कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट। शहर के विभिन्न जगहों से 6 बाइक हुई चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज करके चोरों की तलाश की शुरू। स्टेट की 4 सदस्यीय कायाकल्प टीम रोहतक से पहुंची निरीक्षण करने, अस्पताल की खुली पोल, छत से टपक रहा था पानी, टीम ने सुधार की सीख दी। जानलेवा हमला करने के दोषी को सुनाई गई 10 साल की सजा, दोषी पर लगाया गया 75,000 का जुर्माना भी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कार से लौट रहे साबुन कंपनी के सेल्समैन की कार के बोनट पर केमिकल डालकर 1 मिनट पर चुराए 1,80,000। सेईटू पुलिस ने 1,10,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपित को किया गिरफ्तार। जीटी रोड मछरोली के पास ब्रेजा कार छीनने की वारदात का पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपितों से कार सहित आरसी, एटीएम और आधार कार्ड भी बरामद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।